राजनीति जो है बहुत तेजी से बदल रही है, क्योंकि परसेप्शन का बैटल बहुत तेज होता चला जा रहा है। पहले क्या था, नेता आता था, अटल जी के भाषण हम लोग सुनने जाते थे, छोटे थे, हमारे पिताजी लेके जाते थे, फिर राजीव गांधी लोकप्रिय हुए, राजीव गांधी के भाषण सुनने जाने लगे। अब क्या है कि नेता, उसका स्टेटमेंट, उसका बॉडी लैंग्वेज, उसके एक एक एक्ट, वो कहाँ उतरा, क्या करा, वो लोगों के स्कैनर पर हैं एकदम। सो और उसका स्टेटमेंट भी स्कैनर पर है। अभी प्रतिक्रिया दी, फिर दोबारा प्रतिक्रिया, अब प्रेस कॉन्फ्रेंस, दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस, पलट प्रेस कॉन्फ्रेंस, तो परसेप्शन बैटल बहुत तेज हो गया है। ऐसे में जिनके पास कम्युनिकेटर्स हैं, जो बोल पा रहे हैं, जो उनको पोडियम दे पा रहे हैं, वो लोग थोड़ा सा आगे बढ़ रहे हैं, वो पार्टियां आगे बढ़ रही हैं। और जहां तक वैसे कहता हूं अनरेस्ट, तो मुझे लगता है कलाकारों का, समाचार माध्यमों का, कवियों का, मुझ जैसे लोगों का काम है कि हम देश की बेचैनी को थोड़ा कम करें। हमारे दर्शकों के लिए कुछ अगर आप एक दो कविता देखिए, मोहब्बत का कवि हूँ तो मैंने बहुत पहले लिखा कि जायचा देख के, जन्मपत्री देख के, जायचा देख के बोला ये नजूमी हमसे, जो भी मांगा है यार हाल में मिल जाएगा, क्या मुबारक है नया साल, क्यों मैं खुश हूँ, वो जो बिछड़ा था क्या इस साल में मिल जाएगा। तो ये तो एक बड़ा बड़ा खराब सा आपका स्टेटमेंट हुआ, लेकिन मैं फिर ये कहता हूँ कि इस साल न हो पुरना माखे, इस साल न ये खामोशी हो, इस साल न दिल को बहलाने वाली बेबस बेहोशी हो, इस साल मोहब्बत की दुनिया में दिल दिमाग की आंखें हों, इस साल हमारे हाथों में आकाश चूमती पाखें हों, ये साल अगर इतनी मोहलत दिलवा जाए तो अच्छा है, ये साल अगर हमसे हमको मिलवा जाए तो अच्छा है, चाहे दिल की बंजर धरती सागर भर आंसू पी जाए, ये साल मगर कुछ फूल नए खिलवा जाए तो अच्छा है। मैं आशा करता हूँ कि मोहब्बत के, एक दूसरे के साथ प्रेम के, देश प्रेम के और मनुष्यता के प्रति प्रेम के नए फूल खिलेंगे। सर मेरा एक छोटा सा सवाल थोड़ा सा इससे हट गया, क्योंकि हम लोग बहुत अच्छी अच्छी बातें कर रहे थे, तो आप बहुत ही सिंपल आप अपनी लाइफ जीते हैं। आप किसी भी पार्टी से इसलिए नहीं जुड़ते कि हाँ आप देश के विकास के लिए जुड़ते, किसी भी, आप जैसे आम आदमी पार्टी से जुड़े ना, आप पार्टी से आपने कुछ लिया ना, पार्टी से कभी कुछ नहीं मांगा आपने कभी, ये कहीं नहीं है। कुमार विश्वास के समर्थक इतने हैं, मेरा सवाल सिर्फ इतना है कि फिर आपसे बेरुखी क्यों होती है कभी? नहीं, बेरुखी बेरुखी कुछ नहीं होती है। राजनीति देखिए क्या है, राजनीति मस्तिष्क का विषय है और मैं दिल का आदमी हूँ, तो कई बार राजनीति मुझे नहीं समझ पाती, कई बार मैं राजनीति को नहीं समझता, लेकिन मैं ये नहीं चाहता कि मैं दिल की जो खुशबू है, गमक है और जो राष्ट्रवाद अंदर है मेरे, उससे मैं कोई समझौता कर लूँ या कुछ ऐसा कर लूँ। जिसके लिए आप जाने जाते हैं, जो हर एज का, हर ज्यादा हो गया है वो हर एज, सर वो कितनी बार भी सुन ले दिल नहीं भरता। मोहब्बत एक एहसासों की पावन सी कहानी है, कभी कबीरा दीवाना था, कभी मीरा दीवानी है। मैं नहीं सुनाना चाह रहा था, ये सुनवा रहे हैं। यहाँ सब लोग कहते हैं मेरी आंखों में आंसू है, जो तू समझे तो मोती है, जो ना समझे तो पानी है। तो खुश रहिए, मुल्क से मोहब्बत करिए, देश से प्यार करिए, मनुष्यता से प्यार करिए, अच्छे मनुष्य बनिए। आदमी इस बात से याद रखा जाता है कि जब वो ना रहे तो कैसे याद रखा जाए।